भी आप लोग एक धार्मिक कार्यक्रम देख रहे हैं। जी हाँ, ये देवराज इंद्र के दरबार में चलने वाले कार्यक्रम, उनके यहाँ वो उसी रंभा में इनका वगैरह रहती है भाई ये लोग। और अब एक डेंजरस मैजिक द बर्निंग लेडी पेंटिंग। आज तक इस पूरे विश्व में किसी भी जादूगर ने इच्छा शक्ति और सम्मोहन शक्ति का प्रयोग भी किया हमारे पास तो देखते हैं सम्मोहन की शक्ति।
ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल भारतवर्ष में ही जादू लोग रहते हैं, विदेशों में मैजिशियन होते हैं, वहाँ भी मैजिक दिखाया जाता है, लेकिन उन लोगों के जादू दिखाने के तौर तरीके हम लोग बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। कैसे होते हैं दिखाते हैं, मैजिक बिल्कुल देसी अंदाज में। लाइए खेल को प्रस्तुत किया जाए। क्या समझ गए सब लोग? अपने चेहरे पेंट पॉलिश कोट ले लो, उसको साफ कर लिया बहुत अच्छे से। आप सारे लोग एक तरफ से खेलेंगे, दूसरी तरफ से हम अकेले रहेंगे। सारे लोग दिमाग लगाएंगे, इसमें कोई मैजिक नहीं होने जा रहा, सिर्फ और सिर्फ इसे खेल के दृष्टिकोण से देखेंगे। सारे लोगों का दिमाग एक तरफ, हम अकेले एक तरफ, तो सबसे पहली चाल हमें चलने का मौका मिलना चाहिए। ओके, जितना अंदर है कोई मैजिक नहीं, सिर्फ खेल है। और हमारी प्रथम चाल जो है अब आप बोलिए। हाँ राइट, हमको फॉलो कौन कौन किया पहले ये बताइए। नहीं देखिए, इस खेल को एक नियम रहेगा, हमको फेसबुक इंस्टाग्राम से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? तुम लोग तो मोबाइल में नहीं होगा, कैसे फॉलो करोगे? झूठे याद बना रखो। तो कहाँ रखना है हमको कि आप लोग चार ना रखें, सब लोग एक सहमत हो जाए। कहाँ रखें? ऊपर। अरे सब लोग अलग अलग बताओ तो ऐसे लेके ले रखेंगे ना, ऊपर। चलो शुरू करते हैं कोने में। अब आगे सब लोग बारी मिलेगी। अब दूसरी चाल हमारी, ठीक ठीक, दूसरी चाल हमारी इन ऊपर ही रख देते। अब आप लोग बताइए कोने में नीचे किस तरह, कहाँ यही ना
कोई बात नहीं, अगली चाल हमारी है, जीतना हमको है। और अगली चाल हमारी आती है, आप लोग चाल कहा चलो कोई बात नहीं, अगेन चाल हमारी। आप लेफ्ट को राइट कर रहे हो, एक मिनट आप लोग चाहते हैं, आप बताइए आप और बताई। जब हम लोग आगे खेल खेल रहे हैं तो उसके पीछे भी एक खेल चल रहा है, वो खेल इस तरह से है कि ये कुछ फोटो के टुकड़े हैं जो हर एक डिस्क के पीछे चिपकी हुई है। कौन सा डिस्क कहाँ रखना है पहले कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, किसकी कहीं मर्जी कहीं रखवा सकता है। तो हम जो है, हो सकता है फोटो कोई डिस्क इधर से उधर रख सकते हैं, अगर ऐसी गलती हो गई हो तब भी आप लोग हमारा हौसला बढ़ाएंगे कि हमने अच्छे से खेला और तस्वीर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तब भी आप लोग हौसला बढ़ाएंगे। और ये आ रही तस्वीर। और आप लोग देख सकते हैं कि हर डिश अपनी जगह पे ना होती तो शायद तस्वीर नहीं बनती, यानी इस तस्वीर बनने के लिए मैच का खड़ा होना बहुत जरूरी था। और ये डिस्क यहाँ पर हो कि ना हो कारण अलग लग जाए तो अलग मैटर है, ये डिस्क यही होती और ये गलती से अगर ऐसे हमसे रख जाती तभी तस्वीर न बन पाती, समझ रहे हैं। तालियां बजाइए अपने लिए, सब लोगों ने अच्छा खेला, जीतने दिया है जीते। ले जाओ चुल्लू भाई, ले जाओ चुल्लू भाई। और अब अगला मैच जो नशे का आधारित है, जीवन में इंसान को नशा नहीं करना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नशा करते हैं, नशे में लोग कैसे डूब जाते हैं, समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं, ये आज आप हमारे मंच पर देखेंगे। तो बेस है हमारे मंच से साथ आके नशे की दुनिया के तुम कहां चले जाए।
छोटे बच्चे लोग अपनी कुर्सी अपनी सीट को मजबूती से पकड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग 2 फुट सीट से ऊपर चल सकते हैं। जिन माताओं बहनों को सांस की प्रॉब्लम है वो लोग 5 मिनट तक अपनी सांसें रोक कर रखते हैं और बड़े भाइयों के दूसरे के जेब में हाथ डाल जादू शुरू हो गया। देखते हैं अगले अमित मेरा धड़के रे
कोई कुछ भी कर ले सरकार ने शादी करने देती है। आई आई
ये कभी बोला है जब जरूरत पड़ी तो बोला है जी। अक्सर लोग अपने फायदे अपने बचाव में झूठ बोलते हैं, बिना मतलब कोई नहीं बोलता। चलिए आज आप हमारे मंच पर हैं, जरूर 20 शुभकामनाएं हैं, पर यहाँ पर झूठ बोलने से आपसे कोई लाभ नहीं, सिर्फ बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। एक बॉक्स है हमारे, उसको आप चेक करें, कोई गड़बड़ी हो टूट फूट उसको हमें बताएंगे, तो हम पहले उसको सही करा देंगे तभी चल जाएंगे। तन्मय ओझा जी को बॉक्स दिखाया जाए, चेक करें बॉक्स मजबूत है, कोई गड़बड़ी हो बताइएगा। कहीं से टूटा फूटा नहीं, कोई गड़बड़ी बटन सिकनी चटकनी कुंडी कुछ नहीं, कुछ नहीं सही एकदम दोस्तों, बॉक्स बिल्कुल सही है, कभी कोई गड़बड़ी आती है उसको तुरंत हम लोग सही भी कराते हैं। तो चलिए इस बॉक्स में आप हमें बंद करें, और हमें बंद करने से पहले हमारे हाथों में हथकड़ी लगाइए, हथकड़ी लाई जाए जी, आइए जी हथकड़ी, अगर आप उसे तोड़ सकते हैं तोड़ के सबको दिखा सकते हैं कि कितना पावरफुल है आपके हाथ, तब लगाइए सबको दिखाइए, तब खींचिए जी हाँ, ये स्टेनलेस स्टील बनी हुई मजबूत हथकड़ी है, इसे तोड़ना संभव है किसी भी आम इंसान के लिए। चले ताल लगाइए, एक ताल अच्छा है, दूसरा ताल लगाइए, गुब्बारे लगा दूं पीछे, ओके ये रही तंगा ओझा जी। देखिए अब आप यहाँ बक्से में ताले लगाइए, जैसे बॉक्स में ताले लगाओगे मैं उनको फिर बोलूंगा, हो सकता है बॉक्स ब्लास्ट करे, आप अपनी सीट पे जाकर बैठ जाइए, ताल लगाइए तन्मय जी के द्वारा बॉक्स को चारों तरफ से चेक कर लेने के बाद, जादूगर साहब के बॉक्स में जाने के बाद लगाए जाएंगे दो बड़े बड़े मजबूत ताले। तन्मय जी के द्वारा पहला ताला लगाया जा चुका है, और अब दूसरा ताला भी लगाया जा चुका है। अगर किसी सज्जन को लाकर बॉक्स में बंद कर दिया जाए, कौन है वहां पे, से आ रहे हैं अंदर, कौन है हम तो आप जान सकते हैं।
मुझे लगता हुआ शायद कोई जादू का जुड़वा, कोई हम सकल, कोई डबल रोल, या यहाँ पर धूम थ्री फिल्म चल रही है। एक भाई बॉक्स बंद है, दूसरा भाई सामने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? तन्मय ओझा। अगर ये आपने नाम पता मोबाइल नंबर आधार नंबर जो कुछ भी आ तो सब एकदम हमारे हाथ में, अगर उस जादूगर को कुछ भी हुआ तो आपको घर से उठाया जाएगा। देखो आपने जो लिखा है आपको जीवन में कभी दोबारा नहीं पहचाने, आपको क्या लिखा हुआ है जो लिखा आप सभी को दिखाई दे रहा है? दिख रहा सबको? नहीं दिख रहा तो आंखों का इलाज कराइए। आंखों में तेजाब डलवाले। तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर झटका। झटका नगर। ये मोटू पत्र वाला झटका सामने आ जाओ। आप ताला खोल के जादू को बाहर निकालिए। अरे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सुनो तन्मय, क्या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तन्मय जी के द्वारा पहला ताला खोला जा चुका है और अब दूसरा ताला भी खोला जा चुका है। दोनों ताला खुल जाने लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं जो भी इनका फेवरेट फ्रूट है तो वो आज आप सभी लोगों के मोबाइलों के अंदर आ चुका है। सब लोग अपना मोबाइल का चेक कर सकते हैं। हाँ सभी लोग, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, देखेंगे वही जब ये बताएंगे ना सबके बारे में थोड़ी देर लेंगे। कौन सा है वैसे? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल अनानास। करो वाईफाई, बोलिए वाईफाई। वाईफाई दबा कर क्या ऑन करेगा? वाईफाई दबा कर बस छोड़ दीजिए। आया? क्या बात है? सबके मोबाइल में आया ना? ए, जो उसको लेके आया कोई लेके नहीं आएगा, उसको बुलाओ। आगे ना, सबके मोबाइल में आया ना? और जिन लोगों को वाई फाई खोलना नहीं आता है उन लोग अपना अपना मोबाइल उनको दान कर सकते हैं। क्या फायदा है मोबाइल? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठे चलते। और अब आपको दिखाते हैं एक बेहद हंसाने और भुलाने वाले खेल, ऐसे खेल जो सदियों में कभी कभार होते हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाता है।
सर। और अब लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, कपड़े चेंज करके आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय इंटरवल।